एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको दिखाते हैं, जहां नाजी को सम्मानित करने पर कनाडा एक बार फिर से घिर गया। बता रहे कि संसद में सम्मानित किया गया था, यहूदियों के नरसंहार में नाजी यूनिट की तरफ से हुंकार लड़ा था और कनाडा के स्पीकर ने इस्तीफा दिया। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने माफी मांगी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं कनाडा को लेकर के विवाद की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहूदियों के नरसंहार में हुंकार शामिल था, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। वही संसद में सम्मानित किया गया था, ये बताया जा रहा है। तो लगातार कनाडा विवादों में घिरा हुआ है। एक तरफ जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है, तो दूसरी तरफ स्पीकर ने, यहां कनाडा के स्पीकर ने अब इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कनाडा की संसद में नाजी हुंका को सम्मानित किया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ट्रूडो ने माफी भी मांगी थी, और दूसरी तरफ अब स्पीकर ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। कनाडा की संसद में किस तरह से सांसदों ने खड़े होकर ताली बजाई थी, ये भी आप तस्वीरें देखिए। कनाडा की संसद में नाजी हुंका को सम्मानित किया गया था और अब विवाद गहरा